वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैफ के आर्टम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के पास एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिविडेंड रेगुलेशन से रिलेटेड सर्टन टर्म्स के बारे में जिसमें पूछा गया अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स रेगुलेशन टू थाउजेंड सेवेंटीन ब्रीफली एक्सप्लेन पेइंग एजेंट वर्किंग डे एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड तो ये तीन डिफरेंट बातें पूछी हुई हैं और टोटल फाइव मार्क्स हैं इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कंपनीज एक्ट की के अंदर काफी ज्यादा डिटेल्स मौजूद हैं डिविडेंड से रिलेटेड उन डिटेल्स को मैंशन नहीं करना हमने सिर्फ उन पर बात करनी है जो रेलिवेंट रेगुलेशन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के जो रेगुलेशन है उनके अंदर मैंशन है सो so, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एजेंट एजेंट की की तो की डेफिनेशन जो गिवन है वही हम बता देंगे कि पेइंग एजेंट मीन्स अ बैंक और एंटिटी इंक्लूडिंग अ शेयर रजिस्ट्रार और सेंट्रल डिपॉजिटरी अपॉइंटेड बाय अ कंपनी अपॉइंट करती है एंड हैविंग रेलिवेंट अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको कैश डिविडेंड की पेमेंट की अथॉरिटी मिली हुई होती है अप्रूवल मिला हुआ होता है डायरेक्टली इनटू द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट ऑफ इंटाइटल शेयर होल्डर तो बेसिकली दो एंगल्स हैं कि बैंक भी हो सकता है शेयर रजिस्ट्रार सेंट्रल डिपॉजिटरी हो सकता है कंपनी अपॉइंट करेगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कैश डिविडेंट की पेमेंट के लिए अप्रूव होने चाहिए तो वो पेइंग एजेंट कहलाएंगे दूसरे नंबर पर है वर्किंग डे तो वर्किंग डे बेसिकली इसको आप बैंकिंग डे भी कह सकते हैं बिल्कुल so सिंपली तो वर्किंग डे मींस एनी डे ऑन विच बैंक फॉर बिजनेस इसलिए सैटरडे संडे वगैरह काउंट नहीं किए जाते संडे तो बिल्कुल नहीं और ऑफिशियल हॉलीडेज भी काउंट नहीं की जाएंगी तो so, जिस दिन बैंक ओपन होते हैं उसको वर्किंग डे कंसिडर किया जाएगा इन रेगुलेशन के मुताबिक फिर है मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंट मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंट जो है उसमें रूल यह है कि कंपनी पेइंग एजेंट को अपॉइंट कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेबल इन कैश के लिए अबतः जो बैंक्स होते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो पेइंग एजेंट इन्वॉल्व करें बैंक्स तो खुद भी उनका पेमेंट सिस्टम मौजूद होता है तो बैंक अपने पेमेंट सिस्टम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं तो बैंकिंग कंपनी के लिए किसी और को पेइंग एजेंट अपॉइंट करना जरूरी नहीं है वो खुद पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं फिर कोई भी कंपनी जो अदर देन लिस्टेड कंपनी हो उसका भी पेमेंट का मैकेनिज्म मेंशन है कि शेल ऑफटेन कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेट यानी शेयर होल्डर से आप पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि भाई आप कैसे पेमेंट लेना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी कम्प्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग थ्री मोड्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो जब शेयर होल्डर कोई शख्स बनता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप इन तीन मोड्स में से कौन से पेमेंट मेथड uh, के थ्रू uh, जो है पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड लेना चाहेंगे क्या आप ये चाहेंगे कि डायरेक्ट ट्रांसफर आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में कर दिया जाए या आपको डिविडेंड वारंट भेजा जाए या आपको क्रॉस चेक भेजा जाए इसमें से वो जो मैंडेट सेलेक्ट करें उसी के हिसाब से पेमेंट होगी फर्दर ये लॉ कहता है कि शेयर होल्डर किसी भी टाइम पर अपना मैंडेट चेंज भी कर सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर थ्रू अ रिटर्न रिक्वेस्ट जिसमें तमाम रिक्वेस्टेड डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए अच्छा ये जो रेगुलेशन है इसमें अदर देन लिस्टेड कंपनी का मैंशन है और लिस्टेड कंपनी के लिए जो मैनर ऑफ कैश डिविडेंड है वो कंपनीज एक्ट में मैंशन है तो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं था और कंपनीज एक्ट में जो मैंशन है वो सिर्फ एक ही मोड अलाउड है लिस्टेड कंपनी के लिए वो है पहले वाला तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए तीन मोड अलाउड हैं, जबकि लिस्टेड कंपनी में सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट वाला मोड अवेलेबल है दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे